डच, डच जिसे होलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस डचों ने भी भारत पर भारतीय क्षेत्र में आने का एक सिलसिला शुरू किया। आपको पढ़ना होगा 1595-96 में भारत की ओर वे आते हैं और उनके नेतृत्वकर्ता थे कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों ने भारत की ओर अर्थात पूर्वी एशिया, अर्थात यहाँ यूरोप से पूर्वी एशिया की ओर ये जो अभियान लेकर के आते हैं। सबसे पहले डच जाते हैं इंडोनेशिया क्षेत्र में और इस इंडोनेशियन क्षेत्र में जा करके मसाला का व्यापार शुरू करते हैं। चूँकि क्या था कि जो बर्फीले क्षेत्र हैं यूरोप, और बर्फीले क्षेत्रों में जब जाड़े के दिनों में भोजन की किल्लत होती थी, तो यहाँ से जो पेपर सॉल्ट जाता था, काली मिर्च जाती थी, मसाले जाते थे, वो चिकन और मटन पर लगा करके खाए जाते थे। तो वो जाड़े के दिनों में यहाँ बहुत डिमांड होती थी स्पेशली मसालों की। तो जब डच आए तो डच पहले गए इंडोनेशियन क्षेत्र में, फिर वहाँ से इंडोनेशियन क्षेत्र के साथ साथ वे भारत में आते हैं। यही कारण है कि यहाँ आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों से पहले कौन आते हैं, डच आते हैं। भारत में आकर के उन्होंने शुरू किया वस्त्र का व्यापार। कहा जाता है कि जहां एक तरफ पुर्तगालियों ने भारत के मसालों को पहचान दी जाकर के यूरोप में, वहीं डचों ने भारतीय कपड़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी मसालों की तुलना में। इसका कारण ये था कि वे मसाले काफ़ी हद तक इंडोनेशियन क्षेत्र से भी प्राप्त करते थे। उन्होंने भारत के सूती वस्त्र और अन्य वस्त्रों को, अर्थात कपड़े के व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता दी और यहाँ से कपड़े ले जा करके यूरोपीय बाजार में बेचना शुरू किया। ढेर सारे मुनाफे प्राप्त हुए और यही मुनाफों का देन था कि भारतीय शासकों ने भी प्रारंभिक दौर में जितने भी यूरोपियन कंपनी आए उनको सपोर्ट किया, उन्हें कंपनी बनाने की इजाज़त दी, यहाँ तक कि उनके कंपनियों को भी सपोर्ट किया। लेकिन जब बाद में यह महसूस होने लगता है भारतीय शासकों को कि वास्तव में जो ब्रिटिश कंपनियाँ हैं उनका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, तब होता है शुरू संघर्ष का दौर। और तब पढ़ने को मिलेगा 1757 की क्रांति, जिसमें प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, तो वो वीडियोस हम लोग आगे लेके आएंगे। तो डच के टाइम में कपड़े के व्यापार को अधिक प्रधानता मिली। डच के संबंध में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है, एक घटना होती है जिससे क्वेश्चन आता है, वो है 1759 की घटना। 1759 की घटना जानी जाती है वेदरा का युद्ध, इसको कहीं वेदरा का युद्ध भी लिखा जाता है, कहीं वेदरा का युद्ध लिखा जाता है। ये बंगाल क्षेत्र में एक जगह था जहाँ पर डचों और ब्रिटेन के बीच में एक संघर्ष हुआ, जिसमें डचों की पराजय हो गई और यह साबित हो गया कि डच भारत में लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और लगभग लगभग भारत से उनका बोरिया विस्तार समाप्त कर दिया गया। और फिर अंग्रेज आगे बढ़ते चले गए और फिर हम लोग पढ़ेंगे 1760 में कैसे वांडीवास का होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है डच के संबंध में कि वेदरा का युद्ध जो बंगाल में हुआ उसमें क्या हुआ, डचों का पूर्णतः पराजय हो गया और अंग्रेजों ने उन्हें वापस भेज दिया। तो हमने आज दो चैप्टर पढ़े, पुर्तगाल से संबंधित, डच से संबंधित, और यह इतिहास के प्रारंभ के बेसिक से संबंधित।